देखिए, मैं फिर आज इस घटना के ऊपर अत्यंत कष्ट के साथ दुख जताता हूं। अपना समवेदना सारे मृतक परिवारों के प्रति है, जो आहत हुए हैं, जो विभिन्न हॉस्पिटल में हैं, जो घर लौटे हैं, सभी की चिंता हम लोगों के पास है। और कल प्रधानमंत्री जी सबको संभालने के लिए खुद आए थे और हमारी दायित्व बनती है कैसे ये नॉर्मलची बढ़े, कहीं नॉर्मलची हो जाए। रिस्टोरेशन काम भी शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं तेजी से कैसे ये काम हो रहा है। मेरा पूरा भरोसा है हम नॉर्मलची की ओर बढ़ रहे हैं। और रेस्क्यू काम कल से हो गया था, कुछ लोगों की जान गई है, अत्यंत कष्ट की खबर है ये। और सभी को जो आहत हुए हैं सबकी चिंता किया जा रहा है, फ्री ट्रेन चलाया गया है, लॉजिस्टिक की व्यवस्था किया जा रहा है, घर तक कैसे वो जल्दी ही पहुंचे उसकी रेलवे की ओर से सब चिंता किया जा रहा है। शायद जो यहाँ का जो, क्योंकि इसके एक डेथ की एक प्रक्रिया जो यहाँ मैंने कल स्थानीय प्रशासन से समझ पाया, शायद उसी प्रक्रिया के अंदर 270 कुछ प्लस ऐसा नंबर आ रहा है। लेकिन इतने बड़े हादसा में एक आधा शायद कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में मेडिकल में भी है, भगवान उनको और जल्दी स्वस्थ कर दे। देखिए, मैं इस क्षण में कोई राजनीतिक भाषण नहीं कहना चाहता हूँ। हमारी देश की रेलवे ये बहुत एक सदियों का संगठन है, उसकी कॉम्पिटेंसी पे हमें भरोसा है। इस प्रकार के हादसा होने के बाद जो इंक्वायरी प्रक्रिया होती है उसी को हम सब पहले भी निर्भर किए हैं, इस बार भी हम भरोसा कर रहे हैं। एक बार रेलवे अपना लॉजिकल इंक्वायरी कर ले, फिर उसकी घटना की, जैसे कल मैं इतना आज दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इसको गंभीरता से लिया है और हम सभी को, किसी को उसमें से कोई इन्वॉल्व हुआ व्यक्ति को हम उसमें से छोड़ेंगे नहीं। मैं आज की विषय में इतना ही कहना उचित मानता हूं।